सो हेलो गाइज, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर टेक्निकल अखिलेश। आ गया आपका भाई फिर से एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके। आज मैं बात करने वाला हूँ वीवो के Y53 फ़ोन के बारे में, जो कि बहुत ही कमाल का अपडेट आया है। अगर आपके फ़ोन में अपडेट नहीं आया तो आप वेट कीजिए, आपको अपडेट मिल जाएगा। सो आज मैं बताने वाला हूँ वीवो Y53 फ़ोन में क्या क्या न्यू फीचर आया अपडेट होने के बाद। सो गाइज, जैसे कि फ़िलहाल पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने फ़ोन के गैलरी में लेके चलता हूँ। मैं आ गया अपने फ़ोन के गैलरी में आ गया। इसमें देखो मैं अपने लॉक खोलता हूँ, लॉक फ़ोन टच OS विसेट ऑन एंड्राइड मौजूदा संस्करण 3.2.4 का अपडेट है। सो भाई जैसे कि 3.2 का अपडेट, जैसे कि पहले का जो अपडेट था उसका पॉइंट कम किया होता, बट मेरे पास फ़िलहाल पहले का पॉइंट नहीं पता मेरे को। मैं 3.2.4 का जो न्यू आया ये मेरे को पता है। जैसे कि मैं आज बात करूँगा क्या क्या इसमें न्यू फीचर आए हैं, क्या क्या जैसे प्रॉब्लम थी उसको ठीक किया गया है। आपके फ़ोन में कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं चल रही थी तो उसको ठीक किया गया अपडेट करके। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या अपडेट करके क्या क्या चीज़ें न्यू आई हैं, क्या क्या फीचर चेंज किया हुआ है। तो भाई मैं आपको लेके आ गया दूसरे वाले स्क्रीन शॉट पर। यहाँ पर नया संस्करण आपके लिए बेहतर सिस्टम स्थिरता लाया है और अपडेट करें, जैसे कि संस्करण अपडेट करें वीवो 3.2.4 का है, उसके वजह सिस्टम में दिया हुआ सिस्टम स्थिरता को बेहतर बनाने के लिए सिंक किए गए सिस्टम पैच। जैसे कि आपके फ़ोन में सिस्टम कोई भी जैसे सिस्टम अच्छा नहीं, फ़ोन नहीं चल रहा था तो जैसे कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम हो रही थी तो उसको अपडेट कर दिया हुआ। तो अपडेट करके अब आपका फ़ोन जो है ना अच्छे से चलेगा। जैसे कोई भी आप ऐप चलाते हो तो जल्दी खुलता नहीं है, तो इसलिए वो अपडेट आया था, वो अपडेट कर दिया, वो आपके फ़ोन में चलेगा। सिस्टम अपडेट के बारे में, सिस्टम अपडेट के अपडेट आपके लिए बेहतर सिस्टम अनुभव लाएगा और आप निश्चित रह सकते हैं कि वह अपडेट आपके फ़ोन के मेमोरी स्थान का उपयोग नहीं करेगा। जैसे कि आपका फ़ोन की जो मेमोरी कार्ड थी जैसे कि वो ज़्यादा रिन का अथवा कर ऊपर कर रही थी, तो उसको भी अपडेट करके अच्छा कर दिया गया है। इसकी रनिंग गति को प्रभावित नहीं करेगा या प्रयोक्ता डाटा को हटाना संशोधित नहीं करेगा। जैसे कि आपका जो फ़ोन की रनिंग है उसको और भी पहले से तेज़ कर दी गई है। जैसे कि आपकी फ़ोन की जो रनिंग थी ना पहले से और भी तेज़ और भी अच्छा कर दिया गया है। जैसे कि आपके फ़ोन में कोई भी वायरस जो रहता है, वायरस अगर आ गया फ़िलहाल तो डिलीट नहीं होता है, तो इससे आपका फ़ोन का वायरस अपने आप ही डिलीट हो जाएगा आपके फ़ोन से। तो भाई आज की वीडियो में अच्छा इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना। तब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।